ब्लॉक यहीं रह गया और मैं पूरा 30 किलोमीटर चला गया था। बाप रे, वापस आना पड़ेगा। इतना में हम आगे निकल जाना था। लो जी, ये मम्मी को दो, ये लो। और कौन है ये? दीदी, दीदी को दो। हाँ, अभी तो रास्ते में ही है, बारिश काफ़ी हो रहा है। अभी सुबह वजह से हो रहा है, अभी नूरपुर पहुंचने वाला है। 12 किलोमीटर है नूरपुर, वहाँ से हमको आगे निकलना होगा चंबा की ओर। हाँ, अभी यहाँ कहीं पहुँचा है यार, पता नहीं किस रास्ते में है। अभी थोड़ा बारिश रुका है तो थोड़ा वीडियो बना पा रहा हूँ। अच्छा, तो हम आ गया इधर धुनेरा में पहुँच गया है। तो अभी मैंने वीडियो बनाया था, ये टाइमलेस में बन गया है, मैं दोबारा बनाना पड़ गया। तो ये भैया गरम और गरम पराठे बन रहा है हमारे लिए, आलू के पराठे, चाय और आलू के पराठे। गीला सुबह से बारिश में है इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी जाके वीडियो बना रहा हूँ तो इसको शायद वॉइस भी नहीं आएगा, डबिंग करना पड़ेगा। वाह वाह, देखो ना, अच्छा ऐसा हुआ। मेरा ग्लोव यहीं रह गया और मैं पूरा 30 किलोमीटर चला गया था। बाप रे, वापस आना पड़ेगा। इतना में हम आगे निकल जाना था। ग्लव्स इतना महंगा तो नहीं है, फिर भी हाँ पसंद है। तो वापस जाना होगा तो उसको वहाँ ही रुका हुआ है। अरे यार, दोस्त लोग भी परेशान हो रहा होगा। मैं अभी ये डलहौज़ी वाला रोड पे हूँ। डलहौज़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनको वहाँ मेन चौक पे छोड़ के आया था। तो मैं वहाँ से फिर मिलता हूँ, फिर निकलेंगे आगे। अभी फिलहाल थोड़ा बारिश हो रहा है। काफ़ी नीचे छोड़ दिया था मैंने, बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम बड़ा सा डैम है, बहुत बड़ा बम्पर। एंट्री करना पड़ेगा। क्या ये डैम पंजाब में आता है क्या? बढ़िया सा जगह है, बहुत बढ़िया नज़ारा है। ज़बरदस्त, अच्छा सिक्योरिटी है इधर। तो पानी में घुसना पड़ेगा रे, तो थोड़ा आगे जाके चाय चूय पियेंगे। ये टनल, ये अलग वही डैम का चक्कर लगा रहा है पूरा वहाँ से लेके। आपके उसमें है ना, आप लगाओगे थोड़ा आप साइड से देख के बैठो, हिरे हिराना। पहुँच जाएंगे अपना, अभी टाइम तो हो रहा है 1:30। भाई यहाँ पे बैठा हुआ है फोटो के लिए। क्या हो गया? ठीक गाड़ी बा, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत डैम है।
देखो पीछे पहाड़ जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हम सुबह आया था 3 बजे, अब यहाँ पे बस है 10:30। तो कितना घंटा हुआ? 8 घंटा कर रहे थे, आठ घंटा हो गया यहाँ तक। और हमने नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया, फोन लगा। तो यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं है, शायद 1 घंटा है और इसके बाद हम चेक पॉइंट पहुँच जाएगा। तो चेक पॉइंट के बाद देखिएगा, अगर मौसम अच्छा होगा तो आगे जाएगा, मौसम ख़राब होगा तो हम चेक पॉइंट पर ही रहेगा। फिर कल सुबह निकल लेंगे साच पास। तो यहाँ का नज़ारा इतना है, तो ठीक है बस थोड़ा आगे जाके चाय पीते हैं, फिर वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। फिर यहाँ के कुछ, यहाँ का इस जगह का नाम कुछ आता पाता करते हैं कैसा है, ये हम तो पहले बार है, पता नहीं। आपको पता है ये जगह का नाम? एक्टर भाई साहब आ रहे हैं, एक्टर। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा? और ऐसा लग रहा है कहीं समंदर के पास में हूँ। ये क्या हो गया, काला काला मिट्टी एकदम काला है भाई। धुंधला चांदी जो चाय के लिए रोकते हैं, फिर यहाँ का नज़ारा। कहाँ पे रुके, हर जगह। वैसे अभी हम आ गए इधर चमेली डैम में, तो आप देख सकते इस तरह का नज़ारा है यहाँ से। सुबह का 11 बजा है, तो अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है यहाँ से सचवाच पार करने के लिए। देखता हूँ कैसे होगा मौसम, थोड़ा बारिश हो रही है अभी, हल्का हल्का बारिश हो रहा है। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है, चमेरा डैम। ये एक्चुअली डैम है, नीचे दिख रहा होगा आपने बाइक क्रॉसिंग करते वक्त। तो यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड भी कर सकते हैं कि टिकट मुझे जा सकते हैं घूमने के लिए, अगर कोई यहाँ आता है तो। चलो 40 रुपया का मैगी खा के निकलते हैं। यहाँ पे हल्का मैगी और चाय पी लिया। अभी ज़्यादा है भैरागढ़, भैरागढ़ यहाँ से 27 किलोमीटर है, तो यहाँ से हमको लग जाएगा 30 या 40 मिनट। तो देखते हैं, भैरागढ़ से चेक पॉइंट में सच पास के लिए वो करना पड़ेगा, परमिट बनाना पड़ेगा। अरे भाई, परमिट बनाना पड़ेगा, फिर देखते हैं आगे। हम तो सोच रहे भैरागढ़ में नहीं बैठूंगा, पर अपना देखना पड़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है, भैरागढ़ में नहीं बैठ के निकल भी जाएगा तो हम लोग केलार पहुंच जाएगा। बड़ा लगेज लगा हुआ है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है जजमेंट करने का। और मैं भी पार्क किया था, जो वहाँ से निकल रहा था तो थोड़ा हल्का सा लग गया। अरे यार, स्पीड ब्रेकर, ओ क्या नज़ारा है। और बाइक अभी हम लोगों ने करीब 200 किलोमीटर चला हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ही है। मीटियर का एक लाजवाब है, जस्ट लॉन्ग राइड के लिए मेरे लिए बेस्ट है। ये आ गया चंबा वाला रोड, राइट साइड में है चंबा और हमको जाना है लेफ्ट साइड भैरागढ़। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होता है। पम्प है, पेट्रोल को भरवाता हूँ, फुल टैंक करते हैं। चलो फिर पेट्रोल डलवाते हैं। यहाँ भी है तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, पुल पार करना पड़ेगा। सावधान बोल रहे हैं, ये पुल से जाते तो होगा ना लोग,
सकरा पुल है यहाँ से जा बोला ना वहाँ से पुल पार करो बोला ना पूछता हूँ पूछ लेता हूँ आगे है सास पास अच्छा अच्छा ये चंबा के लिए ना हम आ गया है किसका ना गया है चिल्ली चिल्ली गांव मिर्ची के गांव नहीं नहीं गांव का नाम है ऐसे कुछ चिल्ली गांव लो जी चॉकलेट खाओ अभी हमारा लंच टाइम आ रहा है टाइम हुआ है चार बजने वाला है बस सात मिनट रह गया है तैयार करते यहाँ पे भी है हवा वगैरह चेक करना था शायद ऊपर भी होगा ऊपर होगा तो ऊपर ही चेक कर लेंगे यहाँ लिखा हुआ है बैरागढ़ 8 किलोमीटर चलना मजा पूरा 100% बंद करो बैरागढ़ पहुँचने वाला है बैरागढ़ पहुँचने के लिए सिर्फ 9 किलोमीटर है जब बैरागढ़ पहुँचना है ऐसे ऐसे तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ बस पहुँच गया ये नज़ारा थोड़ा लेता हूँ फिर निकलते हैं बस मेरे पास च्युइंगम बस हाँ हाँ मेरे पास चॉकलेट कितना है देखता हूँ ये 3 लोग हैं 3 बच्चे हैं 3 बच्चे और मेरे पास चॉकलेट कितना है लकी है तो दो ही है दो चॉकलेट 3 आदमी कैसे खाएगा काट के बाट के खा लेना ठीक है लो बाट के खाना क्या है बाबू खत्म तो अभी हम लोग पहला दिन स्टे करने की जगह पहुंचने वाला है तो एक्साइटिंग हो रहा है 10-12 घंटा हम लोगों ने चला लिया तो अभी रेस्ट करने का भी ज़रूरी है अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया और बादल भी छाया है तो हम लोग जल्दी से जल्दी जाके रूम वूम ले लेता हूँ साइड है लेकिन कैंप तो लगा हुआ है कोई नजर नहीं आ रहा तो ऊपर जा रहे हैं तो बैरागढ़ में चेक होता है अपना गाड़ी का कागज़ और अपना लाइसेंस और उन्होंने अगर मौसम ख़राब होगा तो आगे जाना मना करता है तो मौसम ठीक है अभी तो हमें जाने दे दिया तो हम निकल रहे हैं आगे जाके उन्होंने पूछा टेंट वगैरह लाया है कि नहीं तो हमने बोला हाँ ठीक है आगे जाके टेंट लगा सकते हैं कैंपिंग साइट है तो हम आगे तो अब आने वाले हैं हम ऊपर जहाँ पे हम टेंट लगा के आज नाइट स्टे करूँगा हम लोग रानीकोट आ गए नीचे नहीं बैठा क्या था बैरागढ़ पसंद नहीं आया तो हम आ गया इधर रानीकोट पसंद नहीं तो मुझे तो ऐसे जंगल पहाड़ में पसंद है ना तो गुड इवनिंग अभी शाम हो गया तो हम आ गया रानीकोट नीचे बैरागढ़ भी है ले वहाँ भी अच्छी जगह है होटल है आराम से बैठ सकते होटल में
सुविधा है, लेकिन हमें थोड़ा सा नेचुरल ऐसे जंगल जैसा पसंद है, तो हम ऊपर आ गया और यहाँ पे दो ढाबे हैं, तो हम ये ढाबे में खाना वाना ऑर्डर कर दिया। तो हम आज यहाँ खाएंगे, यहीं रहेंगे, फिर कल सुबह सुबह यहाँ से निकालेंगे सास पास के लिए। तो ये तो चाचा दोनों है, यहाँ ऊपर बैर वगैरह रंगने वाला घर है लग रहा है। तो अपन अपना गाड़ी अपना तिरंगा भी ले रहा है यार, यहाँ पहुँच के क्या मस्त। और देख अपना ये क्या है भाई, अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना इंस्टा और दोनों एक ही नाम ट्रैक एंड एडवेंचर। ये थोड़ा मैं यहाँ आज यहाँ आने के लिए ये सब थोड़ा कुछ कुछ बनाया था। ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ठीक है। तो भाई दोनों अब क्या बना रहे हैं पता नहीं यार, तो ये रील्स बना रहे हैं। यहाँ पे भी दुकान है, चलो ठीक है। ठाकुर ढाबा रानी, भाई दोनों वीडियो शूट करने निकलना है। तो हमारा हालत इस तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, 300 किलोमीटर करीब हमने आया है, बोल मैं 300 किलोमीटर से कम दिखा रहे हैं। हाँ, आने से जैसे कि यहाँ हम इधर मंगी का दो रास्ता है, एक मनाली साइड से है और एक यहाँ से, यहाँ पठानकोट नूरपुर साइड से, जो कि यहाँ चंबा होते हुए आते हैं। चंबा नहीं भी होना है, अगर चंबा में कुछ काम है तो चंबा जा सकता है, बाकी चंबा आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चंबा बहुत ही अंदर जाना पड़ेगा, जो आगे मैंने रास्ते में दिखाए थे आप लोगों को, वहीं से आने से हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे एक क्या डैम था, डैम से आने से हो जाएगा। तो थोड़े यहाँ बैठ के बातें करते हैं, बैटरी भी डाउन हो रहा है। अच्छा बाप रे, मज़ा है क्या सच में। जो आज का क्या बोलेंगे, सफ़र बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, रास्ता भी बिल्कुल बहुत अच्छा है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कच्चा रोड है। बस अभी हम पहुंच गया है रानीकोट, तो इस जगह का नाम है रानीकोट। यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे बैर बकरी वाला रहते हैं लगते हैं, और यहाँ पे दो ढाबे हैं, और यहाँ से और 9-10 किलोमीटर आगे भी है, लेकिन वहाँ आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि बादल लगा हुआ है। यहाँ से नीचे देखो खुला है, ऊपर पूरा बादल लगा है, तो हमने यहाँ पे स्टे करने के लिए फैसला वो किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो कल सुबह का वीडियो कल देखते हैं, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, बाय लोग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।